में कोरोना के वार जारी, मजीद 8 मरीज दम तोड़ गए। मजमू तादाद 6,507 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 553 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमू तादाद 3,14,784 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा 35,071 कोरोना टेस्ट किए गए। डोनाल्ड ट्रंप को इलाज के लिए वाल्टर रेड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आइंदा चंद रोज अस्पताल में गुजारेंगे। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कि अमरीकी सदर बुखार और शदीद थकन का शिकार हैं। ट्रंप को एंटीबॉडीज इंजेक्शन लगाया गया है। वीडियो पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा कि वो और खतून अव्वल मेलानिया ट्रंप बेहतर महसूस कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम भी मुअत्तल कर दी। ओरलैंडो में इंतखाबी रैली मंसूख। सदर ट्रंप का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत में 5% कमी। ब्रंट ऑयल की कीमत 2.5 डॉलर की कमी के साथ 38.88 डॉलर हो गई। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा। जिला कुरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन। कराची के जिन दफातर में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ने लगी। गुज़िश्ता रोज कराची में SOPs के खिलाफ वर्जी पर 6 शादी हॉल और 103 रेस्टोरेंट बंद किए गए। कराची में लीगी रहनुमा नहाल हाशमी और बेटों का सऊदबाद थाने में पुलिस अहलकारों से झगड़ा। SOPs का कहना है कि नसीर हाशमी का किसी से झगड़ा हुआ। पुलिस पहुंची तो बदतमीजी की। थाने लाए तो अहलकारों को थप्पड़ मारे और वर्दी फाड़ दी। SHO की मदयत में मुकदमा दर्ज। जेरे हरासत निहाल हाशमी और दोनों बेटों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। अहलिया निहाल हाशमी का पुलिस अहलकारों पर तशद्दुद करने का इल्जाम। डॉक्टर निशात हाशमी कहती हैं कि पुलिस तशद्दुद से मुख्तलिफ चोटें आईं। अहलकारों पर तशद्दुद वाली वीडियो मुकम्मल नहीं। वीडियो तो तब बनाई गई जब बेटे अपनी मां को बचाने के लिए आए। बेटी आशा हाशमी का कहना है कि किसी और की लड़ाई में हमें घसीटा गया। सादा लबास SHO ने भाई पर तशद्दुद किया। फैमिली से बदतमीजी की। हुकूमत ने लूटपाट का मजार गर्म कर रखा है। जुल्म ज्यादती और नाइंसाफियां मजीद नहीं चल सकती। राणा सनाउल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि इमरान खान ने अपोजिशन को कहां एक्सपोज करना है, अब ये खुद एक्सपोज होंगे। मनशियात बरामद की। केस में राणा सनाउल्ला पर आज भी फर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। जज शाकिर हुसैन की रुख्सत के बायस समायत मुलतवी। नून लीग का PDM प्लेटफॉर्म से पहले अकेले मैदान से जाने का फैसला। आज लाहौर में जलसा होगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ रीगल चौक पर पावर शो होगा। पंजाब हुकूमत का अपोजिशन को धरने और जलसों की मशरूत इजाजत देने का फैसला। आईन कानून के दायरे में एहतजाजी सरगर्मियों की इजाजत होगी। स्ट्रीट क्रिमिनल बेलगाम। नाजिमाबाद में शहर की हाजिर धमाकी ने वारदात नाकाम बना दी। मुल्जम को देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। मुल्जमान ने शहरी को डराने के लिए पिस्तौल भी तान ली। मुसलमानों के लिए बड़ी खबर। सऊदी अरब ने 1 नवंबर से उमरा के लिए बिरौने मुल्क से लोगों को आने की इजाजत दे दी। 4 अक्टूबर से मजहबी मुकामात जायरीन के लिए खोलने का ऐलान। पहले मरहले में सऊदी अरब में मुकीम मुसलमान उमरा अदा कर सकेंगे। कोरोना दुनिया भर में 10,32,000 जाने ले गया। मुतासरीन की तादाद 3,47,00,000 से तजावज कर गई। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,069 मरीज चल बसे। हलाकतें 1,00,000 से बढ़ गई। अमेरिका में 8,325 अमवात। मजमूई तादाद 2,13,000 हो गई। ब्राजील में मजीद 664 अफराद लुकमा अजल बन गए। साबिक बादशाह से DNA मैच होने पर बेल्जियम अदालत ने खतून को शहजादी का खिताब दे दिया। आर्टस डिफिनी 7 साल कानूनी जंग के बाद सरकारी तौर पर शहजादी का खिताब मिला। शाल ब्रर तवील अरसे तक बोयल के शाही खानदान से तल्लक के दावे की नफी करते रहे। नेशनल T20 कप में दिलचस्प मुकाबले। आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। दोपहर 3 बजे नॉर्दर्न की टीम मुकाबला सेंट्रल पंजाब से होगा। शाम 7:30 बजे खैबर पख्तूनख्वा और सर्दर्न पंजाब की टीम में मद्दे मुकाबल होंगी। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान सिंध ने सेंट्रल पंजाब को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बॉक्सिंग मेला आज इस्लामाबाद में सजेगा। एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन की टाइटल फाइट भी होगी।